जिस तरह हमने फंक्शन के को चेक किया था कि हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फंक्शन को तमाम टाइप एक ही तरह हैंडल हो रही हो, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप जो है वो किसी और तरह हैंडल हो रही हो, तो हमने क्या किया था, फंक्शन की स्पेशलाइजेशन कर दी थी, यूज़र डिफाइन, यूज़र स्पेसिफाई, स्पेशलाइजेशन कर दी थी। ऐसे ही आपका क्लास का केस भी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ जी, मैंने एक ये जो अभी टेम्पलेट बनाया था अरे का, सबके लिए ऐसे ही चले जैसे ये चल रहा है, लेकिन मेरी सारी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है फॉर इंटीजर फॉर एग्जांपल। तो पहले तो मुझे ये क्लास पूरी बनानी पड़ेगी अपनी जो हमारी नॉर्मल चल रही है, और आपको पता है उसके बाद जाके हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट करके इसको हम नई क्लास के अंदर इंक्लूड करवा लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको इंक्लूड करवा लिया अरे में, और अब मैं क्या करूँगा, ये टेम्पलेट वो डिफाइन कर दिया और अरे को बता दिया भाई तुम्हारी टाइप इंट है। अब ये सिर्फ इंट टाइप की डाटा लेगा, उसको आप जिस तरह मर्जी हैंडल कर सकते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ ये चेंज आनी है, टेम्पलेट एम्प्टी, और यहाँ पे आपने उस क्लास के साथ बता देना भाई तुम कौन हो। मैं उसने कहा जी आई एम इंटीजर। बाकी हर जगह आपने वो पहले वाला कोड जो हमने विदाउट टेम्पलेट किया था वो वाला कोड की लॉजिक हमारी यहाँ पे लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको शो करता हूँ, इंटीजर टाइप जब शो होगा तो उसका फंक्शन आप देखिएगा ये कॉल होगा। इंटीजर टाइप में एक मैंने जेनेरिक फंक्शन लिखा हुआ है, सी आउट करवा दिया हुआ है, लेकिन जब मेरा इंटीजर नहीं होगा तो तब, सॉरी, जब इंटीजर होगा तो फिर मेरा टेम्पलेट स्पेशलाइज फंक्शन यूज़ होगा इंसर्ट करते हुए, और उसके बाद हम इसको चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट आई विल यूज़ दिस अरे एज इंटीजर, और अब उसके बाद अरे एज फ्लोट, दोनों को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देख लें, पहले आपका इंसर्ट करते हुए टेम्पलेट स्पेशलाइज फंक्शन फॉर इंसर्ट यूज़ हुए हैं, तो उसने 11 12 13 ये प्रिंट किया, और उसके बाद आपके टेम्पलेट जेनेरिक फंक्शन यूज़ हुए हैं जिसमें आपने ये काम किया है। सो ये है आपकी टेम्पलेट स्पेशलाइजेशन, जहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें अगर अपनी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट करनी है किसी पर्टिकुलर डाटा टाइप के लिए तो हम क्या करते हैं, उसके टेम्पलेट स्पेशलाइज कर लेते हैं। तरीका क्या होता है, अपनी ओरिजिनल टाइप लिखें, उस टाइप को लिखने के बाद आपने जाके जस्ट अपनी नई टाइप के ऊपर टेम्पलेट लिख देना है और उसको ये टाइप बता देनी है। और फिर याद रखिएगा ये जो चीज़ होती है ये दोनों एक के नेक्स्ट पे आएगा, यानी कि टेम्पलेट लिखने के बाद ये चीज़ आएगा, टेम्पलेट को एग्जिस्ट करना चाहिए, अदरवाइज आपके पास ये एरर आएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेम्पलेट। तो अभी हम इसका यूज़ करते हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे वीडियोज़ हैं उसमें इसके कुछ एडवांस यूजेज को देखेंगे, तो इसको डाइजेस्ट कर लें आप लोग, ये काफ़ी एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन असल में अगर आपने नोट किया हो पूरी तरह से कम्प्लीटली, तो ये वो अपनी ओरिजिनल लॉजिक ही है जो आप लिख के आए होंगे कहीं पे, सिर्फ रीयूजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों की टेक्निक्स बदलती जा रही हैं, ठीक है। तो ये क्या होता जा रहा है, चीज़ों की टेक्निक्स बदलती जा रही है, आप उनको इजी वे से हैंडल करना शुरू करते जा रहे हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझें और फिर उसके बाद देखिए आपकी मेंटेनेबिलिटी और कितनी कितनी आसान हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस फुल सीरीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड हु आर वॉचिंग द टेम्पलेट, उनके उनके लिए भी थैंक यू। और अगर आप इसको आगे आगे फर्दर लेके चलना चाहते हैं तो फिर आप हमारे जो अपकमिंग कोर्सेज हैं उसमें इसका यूज़ देखेंगे, जैसे जावा के अंदर हमें इट इज़ रिक्वायर्ड कि अगर कोई मेरे जावा के लेक्चर्स आगे सुनना चाहे तो वो ये कोर्स पढ़ के आएगा फुली, ठीक है। और ऐसे ही सी शार्प वालों के लिए है, और पीएचपी वाले जो है वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं, दे कैन डू देयर ओन इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्सेप्ट यही है, आप इसके अंदर इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इवन आप देखिए कौन कौन सी लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती है। सो अगर आपने एज असाइनमेंट कोई चीज़ लेनी है तो आई विल जस्ट ओनली सजेस्ट कि जिस लैंग्वेज को मैंने नहीं टच किया, कोई लूजली टाइप लैंग्वेज होती हैं, ठीक है, आप उनमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, R&D करें, नेट पर थोड़ा सर्च करें किस तरह वो इम्प्लीमेंट होगी, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एज़ फॉर एज द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग एंड द लैंग्वेज जावा एंड सी शार्प इज़ कंसर्न, वो हमारे उनके अंदर जब हम वो उन टॉपिक्स पे जाएंगे, उन कोर्सेज में जाएंगे, तो वहाँ पे हम ये चीज़ को देखेंगे कि वहाँ भी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। थैंक यू वेरी मच।